Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that we were doing the sentences in the previous class and we will continue and we'll finish those sentences now. ठीक है? आपने क्या करना है? जो आपके पास sentences हैं, आपने 18 तक कर लिए हैं, ठीक है? Number 19 देखिए. नंबर 19 है आपके पास. द वर्ड इज प्रिटेंडेड. प्रिटेंडेड मीन्स अज्यूम्ड, दिखावा करना. यानी ऐसा है नहीं मगर आप प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, इस तरह से ड्रामा कर रहे हैं, वो प्रिटेंड होता है. जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स के सामने प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत बीमार हैं तो स्कूल नहीं जाना चाहते, लेकिन एक्चुअली में वो बीमार नहीं होते. ठीक है जी? तो ये वाली चीज़ जो है वो प्रिटेंडेड में आती है. एनी वेज, प्रिटेंडेड. The servant pretended to be sick to get a day off from work. Day off का मतलब है छुट्टी. यानी servant जो है वो काम से छुट्टी लेने के लिए उसने ये pretend किया, उसने इस तरह सा ड्रामा किया कि वो बीमार है. ठीक है? Pretended means assumed. Pretended, assumed, ड्रामा करना, दिखावा करना. ठीक है बेटा? तो ये आपका ये pretended. The servant pretended to be sick to get a day off from work. अच्छा चलो, नंबर 20 देखिए. इंटेंशन. इंटेंशन का मतलब है पर्पस, इरादा, प्लान. ठीक है? गुड इंटेंशंस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड. रिवॉर्डेड का मतलब है उसका इनाम मिलता है. गुड इंटेंशंस यानी अगर इंसान के इरादे अच्छे होते हैं तो उसका हमेशा अजर मिलता है, उसका हमेशा इनाम मिलता है. गुड इंटेंशंस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड. ठीक है? अच्छा, अब एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें लास्ट पेज का, और एक मरतबा मैं आपको पेज नंबर 1, 2 और 3 भी दोबारा दिखा देती हूँ, ताकि ऑल दो स्टूडेंट्स हु वर नॉट देयर इन द क्लास, इन द प्रीवियस क्लास, दे शुड ऑल्सो टेक द प्रीवियस द स्क्रीनशॉट एंड दे विल कम्प्लीट देयर वर्क इन देयर वर्क बुक्स एंड ऑन द वर्कशीट्स बोथ. ठीक है? अब आप लोग मुझे ये ओके, दिस इज पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले ले और हैंड रेज कर दें जिन लोगों ने ले लिया है. Very good. All right. Now we are on page number 2. Page number 2 का स्क्रीनशॉट ले लें और हैंड रेज कर दें. All right. Very good. Now come to page number 3. Page number 3 का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और हैंड रेज कर दें. चलो भाई, इसके बाद पेज नंबर 4 है आपका. दिस इज पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 का भी स्क्रीनशॉट ले लें और हैंड रेज कर लें. ऑलराइट, नाउ आउट ऑफ 53 स्टूडेंट्स देयर आर ओनली 31 who have raised your hands, and they are, because I want all of you to take the screenshot so that I don't want any incomplete work in your books and in your homework. कहीं पर भी आपका कोई काम incomplete नहीं होना चाहिए बेटा जी. 37 students have completed their work according to the numbers that have come to me. चलें बेटे, अब इसके बाद ये आपने काम complete कर लेना है. ठीक है जी? Now I want all of you to open your English B workbooks. English B workbooks. The
इंग्लिश बी वर्कबुक्स में बेटे आप लोगों ने सबने अपनी इंग्लिश बी की वर्कबुक्स खोलिए, पेज नंबर 23 निकालें। पेज नंबर 23 बेटा, सबने आर यू ऑल Ready with your English B workbooks, your pens? सब लोग ready हैं? जितने बच्चे ready हैं वो hand raise करें। Your English B workbooks, page number 23. ऑल राइट, दिस इज एक्सरसाइज नंबर वन। और इस एक्सरसाइज में आपने करना क्या है, यूज ऑफ इज आर एम वॉज वर। ये आपकी एक्सरसाइज है, यानी इन तमाम सेंटेंसेस में यू हैव टू यूज आइदर इज आर एम वॉज या वर, जो भी चीज़ आपको यूज करनी है वो करनी है। ठीक है जी, नंबर वन सबसे पहले डेट डालो, टुडे इज अप्रैल 8, 2021। हम सब मुसलमान हैं, We all are Muslims. Muslims का M capital लिखिए। We all are Muslims. Number two, अहमद दिलेर सिपाही है। दिलेर होता है बहादुर, ठीक है। अहमद दिलेर सिपाही है। अहमद is a brave soldier. अच्छा, एक चीज आपकी हर एक एक्सरसाइज के एंड पे आपको एक वोकैबुलरी का दिया गया होता है वर्ड बैंक, लेकिन उसके अंदर ये ब्रेव की जगह बोल्ड लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो लिख लें अहमद इज अ बोल्ड सोल्जर, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ब्रेव सोल्जर भी ठीक है। हम सब मुसलमान हैं, वी ऑल आर मुस्लिम्स। अहमद इज अ ब्रेव सोल्जर, अहमद दिलेर सिपाही है। नंबर थ्री, कुत्ता और घोड़ा वफादार जानवर हैं। डॉग एंड हॉर्स आर फेथफुल एनिमल्स। डॉग एंड हॉर्स आर फेथफुल एनिमल्स। फेथफुल वफादार, डॉग एंड हॉर्स आर फेथफुल एनिमल्स। नंबर फोर, हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है। मुहिब्बे वतन वो होता है जो अपने वतन से मोहब्बत करता है, और मुहिब्बे वतन को इंग्लिश में कहा जाता है पेट्रियॉट, ठीक है। पेट्रियॉट, मुहिब्बे वतन, जो अपने वतन से प्यार करता है, ठीक है। एवरी पाकिस्तानी इज अ पेट्रियॉट, हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है। एवरी पाकिस्तानी इज अ पेट्रियॉट, ठीक। नंबर फाइव, वो मुअज्जिज शहरी थे। मुअज्जिज क्या होते हैं, जिनकी इज्जत होती है, इज्जतदार लोग होते हैं, शहरी सिटीजन्स। वो मुअज्जिज शहरी थे। अब थे आ गया है तो आर नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, वर। दे वर रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स, मुअज्जिज रिस्पेक्टेबल, दे वर रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स। बेटा स्पेलिंग्स के बारे में आपने बहुत केयरफुल रहना है, अपनी हैंड राइटिंग के बारे में बहुत केयरफुल रहना है। No cutting over writing is allowed. Make sure that you're doing your work in good handwriting and you're doing it neatly. Wo muazzis shahri the, they were respectable citizens. Number six, Lahore bagat ke liye mashhoor hai. Mashhoor, famous, bagat, gardens. Lahore bagat ke liye mashhoor hai. Lahore is famous for gardens. Lahore is famous for gardens.
क्या वो कल बीमार था? अब ये देख लो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या वो कल बीमार था? पास्ट टेंस है, ठीक है जी। वॉज ही सिक यस्टरडे, तो पास्ट टेंस है, था की बात आ रही है, तो हम लोग किस कल की बात कर रहे हैं जो गुजर चुका है, यस्टरडे, ठीक है जी। वॉज ही सिक यस्टरडे, क्या वो कल बीमार था? वॉज ही सिक यस्टरडे। नंबर एट, आज बहुत से तालिबे इल्म क्यों गैर हाजिर हैं? आज बहुत से तालिबे इल्म क्यों गैर हाजिर हैं? वाई आर मैनी स्टूडेंट्स एबसेंट टूडे? वाई आर मैनी स्टूडेंट्स एबसेंट टूडे? क्वेश्चन मार्क। आज बहुत से तालिबे इल्म क्यों गैर हाजिर हैं? वाई आर मैनी स्टूडेंट्स एबसेंट टूडे? नंबर नाइन, तुम्हारी टीम के खिलाड़ी कहाँ हैं? वेयर आर योर टीममेट्स? टीम के खिलाड़ी यानी जो आपके साथ आपकी टीम में खेलते हैं उन्हें टीममेट्स कहा जाता है, आपकी टीम के खिलाड़ी होते हैं वो। वेयर आर योर टीममेट्स? ठीक है, तुम्हारी टीम के खिलाड़ी कहाँ हैं? वेयर आर योर टीममेट्स? नंबर टेन, क्या अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था? क्या अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था? वॉज द रिच मैन काइंड टू पुअर्स? क्या अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था? वॉज द रिच मैन काइंड टू पुअर्स? ठीक है। नंबर इलेवन, वो आपका क्या लगता है? वॉट इज ही टू यू? वो आपका क्या लगता है? वॉट इज ही टू यू? नंबर ट्वेल्व, एक दर्जन अंडे खराब थे। एक दर्जन अंडे खराब थे। खराब, जो अंडे खराब होते हैं उसके लिए रॉटन का वर्ड यूज किया जाता है। एक दर्जन अंडे खराब थे। वन डजन एग्स वर फाउल। फाउल लिख सकते हैं या रॉटन लिख सकते हैं। एक दर्जन अंडे खराब थे। वन डजन एग्स वर रॉटन लिख दें। वन डजन एग्स वर रॉटन। ठीक है। नंबर 13, क्या सब सवाल आसान थे? अगेन एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या सब सवाल आसान थे? वर ऑल क्वेश्चंस इजी? क्या सब सवाल आसान थे? वर ऑल क्वेश्चंस इजी? नंबर 14, ये खिलौना खूबसूरत ना था। ये खिलौना खूबसूरत ना था। दिस टॉय वॉज नॉट ब्यूटिफुल। दिस टॉय वॉज नॉट ब्यूटिफुल। ये खिलौना खूबसूरत ना था। दिस टॉय वॉज नॉट ब्यूटिफुल। बेटे इस पेज का स्क्रीन शॉट लें सब लोग। प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पेज सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज। जिस जिसने स्क्रीन शॉट ले लिया है वो अपना हैंड रेज करे। आई वॉन्ट टू सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पेज सो दैट आई मे मूव टू द नेक्स्ट पेज। वाई 36, वेयर आर द अदर्स आउट ऑफ 54? बाकी सब स्क्रीन शॉट क्यों नहीं ले रहे हैं? ओके, नेक्स्ट पेज। अब इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट
सेंटेंस आपके पास रहता है, पेज नंबर 24 है ये। टीपू सुल्तान आदिल हुकुमरान था। आदिल होता है इंसाफ करने वाला, ठीक है, और हुकुमरान होता है रूलर। ये कल हम लोग जब नॉवल पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो हुकुमरान होता है, किंग होता है, उसे रूलर कहा जाता है, ठीक है ना। तो टीपू सुल्तान आदिल हुकुमरान था। टीपू सुल्तान वॉज अ जस्ट रूलर। टीपू सुल्तान वॉज अ जस्ट रूलर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस पे भी आज की डेट डाल लें फॉरन April 8, 2021। ये शवाल जो बच्चे हैं बेटे, आपको सारा टाइम जो है वो क्लास में एडमिट होना और लीव करना, और फिर एडमिट होना और फिर लीव करना, और आपको कोई काम नहीं है। ओके, नंबर वन, क्या इस शहर में कोई हाई स्कूल है? इज देयर एनी हाई स्कूल इन दिस सिटी? इज देयर एनी हाई स्कूल इन दिस सिटी? क्या इस शहर में कोई हाई स्कूल है? इज देयर एनी हाई स्कूल इन दिस सिटी? नंबर टू, क्या अमजद दयानतदार आदमी है? क्या अमजद दयानतदार आदमी है? इज अमजद एन ऑनेस्ट मैन? दयानतदार मतलब ईमानदार। इज अमजद एन ऑनेस्ट मैन? नंबर थ्री, क्या वो माहीगीर ना था? क्या वो माहीगीर, माहीगीर होते हैं मछली पकड़ने वाले, फिशरमैन। क्या वो माहीगीर ना था? वॉज ही नॉट अ फिशरमैन? वॉज ही नॉट अ फिशरमैन? क्वेश्चन मार्क। नंबर फोर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू। नंबर फाइव, अच्छा एक बात और है, अगर आपने फर्ज करें थैंकफुल की जगह ग्रेटफुल लिखा है, GRATE, ग्रेट FUL, तो वो भी ठीक रहेगा। थैंकफुल और ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार। नंबर फाइव, इसके दोनों भाई वकील हैं। उसके दोनों भाई वकील हैं। बोथ हिज ब्रदर्स आर लॉयर्स। उसके दोनों भाई वकील हैं। बोथ हिज ब्रदर्स आर लॉयर्स। नंबर सिक्स, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? नंबर सेवन, K2 कितनी ऊंची चोटी है? चोटी क्या होता है, जो पहाड़ का बिल्कुल ऊपर टॉप होता है उसे चोटी कहते हैं, और एक्चुअली इंग्लिश में उसे कहा जाता है पीक। K2 कितनी ऊंची चोटी है? हाउ हाई इज द K2 पीक? K2 हम कैसे लिखते हैं, K-2 लिखते हैं। हाउ हाई इज द K2 पीक? क्वेश्चन मार्क। नंबर एट, बसों के अड्डे पर कितनी बसें थी? हाउ मैनी बसेस वर देयर? हाउ मैनी बसेस वर देयर एट द बस स्टॉप? क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी बसेस वर देयर एट द बस स्टॉप? क्वेश्चन मार्क। नंबर नाइन, उसके रिश्तेदार क्यों नाराज थे? उसके रिश्तेदार क्यों नाराज थे? Why were his relatives angry? Why were his relatives angry?
उसके रिश्तेदार क्यों नाराज थे? वाई वर हिज रिलेटिव्स एंग्री? रिलेटिव्स होते हैं रिश्तेदार. क्वेश्चन मार्क लगाइए. डू नॉट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वरना आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होता. ठीक है जी. नंबर 10 देखें. क्या मोटर कारें सब खराब थी? खराब मतलब आउट ऑफ ऑर्डर, जो काम नहीं कर रही होती कोई चीज़, कोई मशीन के खास तौर पे बारे में बात हो रही हो और मशीन ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रही, तो हम उसके लिए आउट ऑफ ऑर्डर का वर्ड यूज़ करते हैं. क्या मोटर कारें सब खराब थी? वर ऑल मोटर कार्स आउट ऑफ ऑर्डर? क्वेश्चन मार्क. वर ऑल मोटर कार्स आउट ऑफ ऑर्डर? नंबर 11, तालिब इल्म झूठा ना था. नंबर 11, तालिब इल्म झूठा ना था. तालिब इल्म स्टूडेंट. द स्टूडेंट वॉज नॉट अ लायर. लायर झूठ बोलने वाला, झूठा. तालिब इल्म झूठा ना था. द स्टूडेंट वॉज नॉट अ लायर. नंबर 12, क्या ये खबर सच्ची है? क्या ये खबर सच्ची है? इज दिस न्यूज ट्रू? क्या ये खबर सच्ची है? इज दिस न्यूज ट्रू? चलो बेटे, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं. नेक्स्ट पेज पे 2-3 सेंटेंसेस और हैं और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. स्क्रीनशॉट लें बेटा और हैंड रेज करें सो दैट आई मे नो कि सबने ले लिया है, सबका ये पेज कंप्लीट हो गया है. आई हैव ओनली 39 स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. बाकी सब क्यों नहीं ले रहे बेटा? अगर आपका कुछ मिस हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में. ओके, दैट्स गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज नंबर 13. सेंटेंस नंबर 13 देखिए बेटा. ये सवाल बहुत पेचीदा था. अब ये पेचीदा क्या होता है? पेचीदा यानी कि जिसमें बहुत सारे मसले होते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से सॉल्व होता है, उसे हम पेचीदा कहते हैं. ठीक है. दिस क्वेश्चन वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? पेचीदा, जिसमें बहुत सारे मसले होते हैं, उसे कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं. दिस क्वेश्चन वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. नंबर 14, क्या तमाम सवाल मुश्किल थे? वर ऑल क्वेश्चंस डिफिकल्ट? अब देखो, इस तरह का एक सेंटेंस पहले भी आया, क्या तमाम सवाल आसान थे? तो हमने लिखा कि वर ऑल क्वेश्चंस इजी. अब वो कह रहे हैं जी, क्या तमाम सवाल मुश्किल थे? वर ऑल क्वेश्चंस डिफिकल्ट? क्वेश्चन मार्क. नंबर 15, डॉक्टर कब अस्पताल में था? डॉक्टर कब अस्पताल में था? व्हेन वाज द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल? व्हेन वाज द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल? चले बेटे, यहाँ तक आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. एक्सरसाइज नंबर 2 जो इज आर और वॉज वर वाली वो एक्सरसाइज थी, वो सारी आपकी यहाँ एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. कंप्लीट दीज 2 एक्सरसाइजेस जो आज मैंने आपको करवाई हैं. ना सिर्फ ये कि आपने बुक में तो खैर मेरे साथ ही की होंगी आई होप, और उसके बाद आप लोगों ने इन एक्सरसाइजेस को लूज शीट्स में भी करना है. आई एम अगेन टेलिंग यू, लूज शीट्स में आपको उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट पुट द हेडिंग, पुट द पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर एंड राइट द इंग्लिश सेंटेंसेस विद देयर करेक्ट नंबर्स. दैट्स इट. ओके, नाउ कल फ्राइडे है, कल आपकी क्लास नहीं है. इंशाल्लाह सैटरडे को हम लोग फिर से मिलेंगे एंड वी विल कंटिन्यू अवर वर्क. टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.